6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक एक्चुअली में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ताइपाई 101। ताइवान में ये इमारत जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची हो। इतना डिफरेंस बन गया टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में कि अगली बारी कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो दो बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंगें रही थी वो पिछली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंगों से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होती थी, ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर तक ले जाने की बात करी जा रही थी। 62% का डिफरेंस, करीब 5.5 साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा के सक्सेस को देखकर कई देशों ने अनाउंसमेंट्स करी कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगे। कईयों ने कोशिश भी करी लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे हैं। 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाया है। क्या कारण है इसके पीछे, आखिर क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर कितनी ऊंची इमारत बनाना पॉसिबल है इंसानों के लिए, आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों करीब 4000 सालों के लिए इंसानों के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड, एक टूम के तौर पर यह बना था फैरो खुफू के लिए और इसकी हाइट है 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बना जिसकी हाइट थी 160 मीटर। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च नहीं तोड़ा जब तक साल 1889 में आईफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन आईफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां लोग रह सकते हैं या लोग काम करने के लिए जा सकते हैं। अगर प्रॉपर बिल्डिंगों की बात करें तो शिकागो होम इंश्योरेंस की ये 1884 में बनी बिल्डिंग, इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काईस्क्रेपर, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहां पर लोग काम करने के लिए जा सके, एज ए ऑफिस स्पेस यूज कर सके। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर भगवानों के लिए बनाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि ये बिल्डिंग को इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर की थी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। लेकिन इसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंगें बना सकते। तो शुरुआत में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने का, ये सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी के एंड तक, और ये दो शहर सेंट्रल शहर थे जहां पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रही। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे, बड़ी कंपनीज के द्वारा बड़ी ऑफिस स्पेसेस की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से शहर में अकोमोडेट करने के लिए स्काईस्क्रेपर्स बनाने की जरूरत पड़ी। यहां पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही थी। 40 साल तक इसने रिकॉर्ड को होल्ड किया, और अगर मॉडर्न जमाने में कंपेयर करोगे तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा समय तक होल्ड किए रखा। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट 417 मीटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 381 मीटर से 9% ज्यादा। साल 1998 में ये कॉम्पिटिशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ जब कुआलालंपुर में बनाए गए द पेट्रोनस टावर्स एट हाइट ऑफ 452 मीटर। इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया जिसके बाद ताइपाई 101 ने इन्हें बीट किया, और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सबको बीट कर दिया, 510 मीटर से सीधा 828 मीटर की छलांग। एक्चुअली शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग करी जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया कि नहीं और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, और इतनी बढ़ा दी। रीजन था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया होगा ये बिल्डिंग उसकी सेंटर पीस अट्रैक्शन होगी। 1990 से पहले असल में बात क्या है, दुबई बेसिकली एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग का गांव हुआ करता था जिसने रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था। लेकिन लेट 1990s और अर्ली 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पर डिपेंडेंस से आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ कुछ इन्हें ऐसा करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंच जाओगे तो आप सनसेट को दोबारा देख सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन की कॉस्ट पड़ी, 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटी से आए थे, और 22 मिलियन मैन आवर्स। जाहिर सी बात है लेकिन जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पस काफी सक्सेसफुल।
पूरा। आज के दिन दुबई ना सिर्फ एक बढ़िया इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। ढेर सारी कंपनीज अपने ऑफिस आकर दुबई में खोलना चाहती है, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहाँ प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि $1.5 बिलियन तो बड़ी आसानी से रिकवर होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसे बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है और इससे ऊंचा अगर बनाने की कोशिश करी गई तो रियलिस्टिकली कितना ऊंचा इंसान बना सकते हैं। ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं।